नाम बताएं। नाइला। वल्दियत मोहम्मद से। अच्छा, अब नैला बताएं कि आप तालीम है आपकी? मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास किया, अच्छा। कब से बीमार है? तकरीबन एक साल से। क्या तकलीफ थी शुरू में आपको, क्या मसला हुआ था? शुरू में खून लगाती थी यहाँ द्रोश अस्पताल में, फिर वहाँ नहीं समझा चित्राल भेज दिया, वहाँ भी खून लगाते थे, फिर खून वो नहीं होता था, सिट नहीं होता था ना, फिर पेशावर भेज दिया। पेशावर गई, शेरपा अस्पताल गई, वहाँ 7 दिन इलाज किया ना, फिर उसके बाद हैदराबाद कॉम्प्लेक्स अस्पताल भेज दिया। वहाँ इलाज हो रहे थे, बहुत उधार लिए माँ बाप ने, सब कुछ भेज दिए, लेकिन इलाज पूरा नहीं हो सका। अब तकरीबन 5 महीने हो गए मैं अस्पताल नहीं जा सकी, पैसे नहीं है ना हमारे पास। बीमारी क्या है, क्या बताया डॉक्टरों ने? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है, अच्छा। तो आपने हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इलाज करके वापस आ गई? हाँ जी। क्यों? पैसे नहीं थे ना, उसके बाद डॉक्टर ने भेज दिया, फिर 4-5 महीने हो गए हम नहीं जा सके, कोर्स रह गए, फिर मैं बीमार हो गई। 4-5 महीने? हाँ। इलाज नहीं कर सका? नहीं। अभी घर में हूँ, कभी हाथ बाजू में दर्द होती है, कभी सर में दर्द होती है, कभी मैदे में दर्द होती है, कभी नींद नहीं आती, इस तरह की। अच्छा, अब क्या चाहती है? अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इलाज हो सके आगे, मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहती है, मरना नहीं चाहती? नहीं। अच्छा, तो अब तक किसी ने आपके साथ कोई इमदाद किया है? नहीं, किसी ने भी नहीं किया? नहीं। अच्छा, तो आपका ये है कि अगर आपके साथ मदद की जाए, आपके इलाज जारी रखे, तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है? जी। जी, मेरा नाम नाइला है, मैं चित्राल की रहने वाली हूँ, मैं मैट्रिक पास किया, उसके बाद बीमार हो गई, फिर यह इलाज किया द्रोश अस्पताल में, फिर चित्राल गई, फिर उसके बाद मुझे पेशावर भेज दिया गया, वहाँ हैदराबाद कॉम्प्लेक्स अस्पताल में मेरा इलाज हो रहे थे, तो कर्ज़ा लेके इधर उधर से मेरे अबू जो है वो कर्ज़ा लेके मेरा इलाज कर रहे थे, फिर मेरी बीमारी का 1 साल हो गया, फिर उसके बाद मैं अस्पताल नहीं जा सकी, 4-5 महीने हो गए, पैसे ख़त्म हो गए हमारे पास, अब इलाज नहीं कर सकते हम, अब मुझे तकलीफ़ हो रही है, कभी बाजू में दर्द होती है, कभी सर में दर्द होती है, कभी मैदे में, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती, मैं अपील करती हूँ कि मेरा इलाज हो सके, मेरी मदद की जाए। अच्छा, आपने बीमारी के बारे में बताया मैंने, आप वो भी बता देना कि आपकी क्या बीमारी है, वो भी ज़रा बता दें जी। क्या बीमारी, क्या बताया डॉक्टरों ने आपको? मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है जी। अच्छा, तो आपकी कुछ पता चला कि आपके इलाज पे कितना खर्चा आते हैं, कुछ अंदाज़ा है कि नहीं? 7 लाख तक खर्चा आया अभी तक। 7 लाख तक खर्चा अभी तक आया? हाँ। नहीं, मजीद कितना खर्चा आएगा कुछ पता है डॉक्टर? ये पता नहीं है। तो डॉक्टरों ने क्या कहा कि आपकी इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है, हो सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपके साथ अगर मदद की जाए माली, तो मतलब है आपकी इलाज जारी रखा जाए, तो आप ठीक हो सकती है जी। अच्छा अच्छा जी, मैं तमाम सदर वज़ीर-ए-आज़म और सदर से अपील करता हूँ, तमाम हज़रात से, कि मेरी मदद की जाए, मेरा इलाज जारी रख सके, ताकि तुम सेहतियाब हो जी। मैनला, आप क्या चाहती है, आपके दिल में क्या ख्वाहिश है, अगर आप ठीक हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, क्या क्या बनना चाहती हैं? मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप पढ़कर क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर, ताकि आप दूसरे कैंसर मरीजों की इलाज कर सकें मुफ्त, यही है ना? अच्छा, इसको अब जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ,
पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती हूँ और दूसरे ब्लड कैंसर मरीजों की इलाज करना चाहती हूँ। अच्छा, दूसरे ब्लड कैंसर मरीजों की मुफ्त इलाज करना चाहती हैं जी। नहीं, खुदा करे आपकी ख्वाहिश पूरा हो जाए और हमारी टीम, हमारा चैनल इंशाल्लाह पूरा पूरा आपके साथ कोऑपरेशन करेगा और हमारी कोशिश होगी कि आपकी इलाज हम करके फ्री और आप सेहतयाब हो जाए। ठीक है, आप हौसला ना हारें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं जी। जी, जमा नाम कारी फजल हक दे डॉक्टर ज़कात का।